नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB की परीक्षा को लेके। यानी आप सभी के लोगों के मन में AIB की परीक्षा को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तो यदि आप ऑनलाइन हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सवाल कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो हम बात करेंगे AIB की परीक्षा के बारे में। AIB का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे। AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। अब इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 2010 से हुई। यानी 2010 के बाद से वे सभी अधिवक्ता जिनका पंजीकरण 2010 के बाद से हुआ है, वे सभी AIB की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। AIB की परीक्षा के लिए आवेदन करने का मुख्य कारण क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? AIB की परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य है COP नंबर प्रदान करना। COP नंबर यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो AIB की परीक्षा देने के लिए करना क्या होगा? AIB की परीक्षा देने के लिए सबसे पहले तो आपको LLB पास करनी होगी। अगर आप LLB पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने स्टेट के बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना होगा। जब आप अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं तो आपको बार काउंसिल की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक ID कार्ड। यह सर्टिफिकेट और ID कार्ड 2 साल तक के लिए अस्थायी रूप से मान्य होता है। यानी इन 2 साल के भीतर में आपको AIB की परीक्षा पास करनी होगी। AIB की परीक्षा पास करने के लिए आपको वही सब पाठ्यक्रम पढ़ने पड़ेंगे जो कि आप अपनी LLB की पढ़ाई में पढ़ रहे हैं। तो AIB के लिए आवेदन करने से पहले हम इन बातों को समझ लें। AIB की परीक्षा के आवेदन करने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना पड़ेगा। जब आप अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तो वहाँ आपको एक ID कार्ड मिलेगा और एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में एक एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। इसका उपयोग AIB की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उपयोग में आएगा। जब आप AIB की परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपसे एनरोलमेंट नंबर ही मांगा जाएगा। यह एनरोलमेंट नंबर आपको अपनी ID कार्ड से भी मिल जाएगा और वह सर्टिफिकेट जो कि बार काउंसिल की तरफ से आपको दिया गया है। जब आप AIB की परीक्षा के आवेदन करते समय एनरोलमेंट नंबर को दर्ज करेंगे तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप एनरोलमेंट नंबर दर्ज करते हैं और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने AIB की परीक्षा से संबंधित मांगी जा रही सभी जानकारी आपको देनी होगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम और अन्य जानकारी जो सामने आपसे मांगी जा रही होगी। आपको यह सभी जानकारी स्पष्ट व साफ साफ भरनी होगी ताकि कोई भी त्रुटि ना हो, यानी मिस्टेक ना हो। जब आप सफलतापूर्वक फॉर्म भर लेते हैं तो अब बात आती है फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे अधिवक्ता की एड्रेस में ही। और दूसरी बात, वहाँ पे मांगे जाएंगे दस्तावेज अपलोड करने के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट और ID को सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करना होगा। उसके लिए आप फोटोकॉपी करा लेंगे, फोटोकॉपी पे अपना साइन कर लेंगे और सेल्फ अटेस्ट लिख के इसकी स्कैन कर लेंगे कॉपी को। कॉपी को स्कैन करने बाद अपलोड कर देंगे। सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। यानी जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका जमा हो जाएगा और सामने स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद निर्धारित समय के भीतर आपको फ़ीस जमा करनी होगी और फीस जमा करने बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी फ़ीस सफलतापूर्वक जमा हो गई। और जब जब कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि और अन्य जानकारी के लिए आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।